क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं? और क्या आपके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं? क्या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? यदि हाँ, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इन सब समस्याओं का मेन कारण आपकी बॉडी में अतिरिक्त गर्मी है। क्योंकि यदि आपको ये सारी समस्याएं हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में नॉर्मल गर्मी से कुछ अतिरिक्त गर्मियां हैं, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। इसके अलावा खुजली की समस्या होना, मुंह में छाले होना, पेट में जलन होना, बार बार गले का सूखना या फिर बहुत ज्यादा और बार बार आपको पसीना आना भी, ये संकेत बताता है कि आपकी बॉडी में अतिरिक्त गर्मी है। मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। आप चाहे जो भी उपाय कर लो, कितने प्रकार के प्रोडक्ट यूज कर लो, यदि आप लोग अपने शरीर से ये अतिरिक्त गर्मी नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होंगी, ये सारी प्रॉब्लम आपको होती रहेंगी, इनसे आप कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी शरीर की जो अतिरिक्त गर्मी है वो बाहर निकल सके और हमारा शरीर नॉर्मल तापमान में आ सके, ये जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी बॉडी में अतिरिक्त गर्मी आती कहाँ से है, इसका क्या कारण हो सकता है। हो सकता है आप लोग जिस माहौल में रहते हो वो इलाका एकदम गर्म हो, या फिर ये भी हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो या फिर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी भी ये डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा गर्मी आएगी या नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग तनाव में हो, आपको किसी प्रकार का टेंशन हो, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, आप लोग शराब पीते हो या फिर स्मोकिंग करते हो, या तो दिन भर कुछ भी ऊटपटांग चीजें खाते हो, ये सारी एक्टिविटी भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा गर्मी बढ़ाने के कारण हो सकते हैं। तो आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग की बॉडी की ये अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाए। मैं कुल मिलाकर आपको 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोग अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा गर्मी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है हाइड्रोथेरेपी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक बाल्टी लो, उस बाल्टी को पानी से आधा भर लो और उस पानी को ठंडा करने के लिए उसमें कुछ बर्फ डाल दो। बर्फ डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालो। इसके बाद आप लोग आराम से बैठकर अपने दोनों पैरों को इस बाल्टी में डुबा दो और करीब 10 से 15 मिनट तक अपने दोनों पैरों को डूबा रहने दें। इसी प्रक्रिया के बीच में, मतलब ये जो प्रोसेस आपकी चल रही है, इसी बीच में आप लोग अपने पैरों को बाहर निकालकर थोड़ी देर फुट मसाज कीजिए, एक या दो बार। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पैरों से भला हमारी बॉडी की गर्मी का क्या संबंध। तो आप लोग ये समझिए, हमारी जो पैरों की नसें होती है वो हमारी पूरी बॉडी से जुड़ी हुई होती है। तो जब आप लोग ये थेरेपी करते हो तो हमारी बॉडी की गर्मी कम तो होती ही है, इसके अलावा हमारे शरीर का ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है। साथ ही साथ हाइड्रोथेरेपी करने से आपका दिमाग भी शांत होता है और आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। वैसे तो आप लोग हाइड्रोथेरेपी किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन आपको इसके यदि अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो आप लोग इसको सोने के पहले कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की गर्मी तो निकलेगी लेकिन आपको नींद भी अच्छी आएगी। सेकंड उपाय है चावल का पानी। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में चावल के पानी को शरीर से गर्मी निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम चावल लीजिए, उसे हल्का सा कूट लीजिए। अब इस कूटे हुए चावल को एक मिट्टी के बर्तन में रखना है और इसमें आधे कप से थोड़ा ज्यादा पानी डालना है। पानी मिलाने के बाद 4 से 6 घंटे उसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब 4 से 6 घंटे हो जाए तो इस पानी को छानकर ऐसे ही पी लेना है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि इस पानी को ना तो फ्रिज में रखना है ना इसमें बर्फ मिलाना है, आपको ऐसे ही इसे पीना है बिना किसी चीज को मिलाए। आप लोग इस पानी को दिन में 2 बार पी सकते हो, आपके लिए पर्याप्त होगा। इसको पीने का बेस्ट टाइम है कि जब आप खाना खाने वाले हो उसके आधे घंटे पहले आप इसको पी लें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चावल में विटामिन बी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो यदि किसी को मुंह के छालों की समस्या है, जिनको मुंह के छाले बार बार होते हैं, तो उनको ये वाली ड्रिंक ट्राई करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चावल का पानी पीने से आपकी बॉडी की गर्मी तो शांत होगी ही, इसके अलावा भी कुछ और फायदे होते हैं, जैसे कि पेशाब करते हुए जलन होना, स्किन की खुजली, बालों का झड़ना, बार बार एसिडिटी होना। तो ये सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में चावल का पानी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा उपाय है चंदन का पेस्ट। ये चीज हम सबको पता है कि चंदन में जबरदस्त कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको 2 चीज की जरूरत है, एक चंदन, दूसरा गुलाब जल। चंदन और गुलाब जल को मिलाकर आपको एक पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को आप लोग को अपने माथे में लगा लेना है। चंदन इतना पावरफुल होता है कि ये थोड़े समय में हमारी बॉडी की गर्मी को तो शांत करता ही है, इसके साथ साथ हमारा माइंड भी शांत कर देता है, मतलब दिमाग को भी ठंडा करता है। यदि आप लोग स्टूडेंट हो और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या तो किसी भी काम को करने के लिए आपको अच्छा फोकस नहीं मिलता,
तो आप लोग चंदन का पेस्ट का उपयोग एक बार जरूर करें। इसके इस्तेमाल से आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आपको पिंपल्स, रैसेस, खुजली वगैरह है तो आप लोग उस पे चंदन के पेस्ट को जरूर लगाएं। ये सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और चंदन आपको किसी भी किराने की दुकान में बड़े आसानी से मिल जाएगा। चौथा उपाय है कूलिंग ब्रेथ या शीतलिंग ब्रेथ। ये एक योग टेक्निक है जिसकी मदद से आप लोग अपनी बॉडी की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस योग को करने के लिए आप लोग आराम से बैठ जाएं, उसके बाद अपनी जीभ को बाहर निकालें और उसे फोल्ड करके पाइप के जैसा बनाएं, कुछ इस तरह। अब इस जीभ से लंबी लंबी सांसें लें और नाक से छोड़ें। इस प्रक्रिया को आपको 8 से 10 बार करना है और ये आप लोग कहीं भी बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कूलिंग ब्रेथ इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इसको करते करते ही आपको अंदर से अलग सा फील होने लगेगा। तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अगला उपाय है खाना या खाने की चीजें। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ चीजें हम लोग को गर्म करती हैं, मतलब कुछ चीजों को खाने से हमारी बॉडी में गर्मी होती है और कुछ चीजों को खाने से हमारी बॉडी ठंडी होती है, मतलब वो चीजें हमें ठंडा करता है। आंवला और नींबू को छोड़ के बहुत सी खट्टी चीजें, नमकीन, मसालेदार खाना हमारी बॉडी में ज्यादा गर्मी बढ़ाते हैं। यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो मसालेदार खाने को बहुत कम मात्रा में खाएं। मिठाइयां और कड़वे खाने से हमारी बॉडी ठंडी होती है। इसके अलावा बहुत सारी खाने की ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आपकी बॉडी गर्म होगी और कुछ चीजों को खाने से आपकी बॉडी ठंडी होगी। इसके अलावा आप लोग बॉडी को ठंडा करने के लिए अधिक मात्रा में पानी पी सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि आपको फ्रिज का पानी इग्नोर करना है, उसे कम से कम मात्रा में पीना है। ड्राई फ्रूट्स कम खाना है, फ्रूट्स ज्यादा खाना है। फ्रूट्स जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला, ये सारी चीज खा सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी भी नंबर वन ड्रिंक है आपकी बॉडी की गर्मी को कम करने के लिए। रिफाइंड ऑयल का उपयोग कम से कम करें, इसको रिप्लेस करके आप लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन की डाइट को डिजाइन कीजिए और कुछ ही दिनों में आप लोग ये चीज देखोगे, ये गर्मी से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम आपको होती थी, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल चुका है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।